हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स डीआईवाई विद केतकी। आप सब लोग मज़े में हो क्योंकि मुझे पता है अभी कल इंडिपेंडेंस डे है, फिर उसके बाद आती है राखी, तो हम सब बहुत फेस्टिवल मूड में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एंड यस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो पहला डीआईवाई है किड्स राखी। तो यहाँ मैं बनाने वाली हूँ मृदुला के छोटे कज़िन अर्जुन के लिए एक छोटी सी राखी। तो ये मैं बना रही हूँ वेस्ट कार्डबोर्ड से, और इसके लिए लिया है मैंने ये कार्डबोर्ड पीस जिस पे मैंने कार्ड ड्रॉ किया है और उसको कट कर लिया है। अब मैं इस पे लगाऊंगी वाइट जेसो। तो वाइट जेसो लगाएंगे, उसको सुखाएंगे, और उसके बाद हमने ये रेड कलर से वो कार पेंट कर दी है। तो ये मृदुला मुझे हेल्प कर रही थी पेंट करने में। सूखने के बाद मैंने उसे ब्लैक आउटलाइन दे दिया। एंड हाँ, मेरे पास ये कुछ पुराने बीड्स थे तो मैंने उसे यहाँ पे लगा दिया व्हील्स के तौर पे, और ये एक क्यूट सी 3D लुकिंग कार तैयार हो गई है। तो इट्स जस्ट लुकिंग लाइक अ टॉय कार। एंड ये मृदुला ने मुझे बना के दिया था वुलन थ्रेड से, एक चोटी बना दी जो हम धागे के हिसाब से टाई करेंगे। उस पर फेविकॉल से मैंने ये चिपका दिया है, एंड सेफर साइड मैंने उसके पीछे सेलो टेप से भी फिक्स किया। तो देखिए कितनी क्यूट सी राखी बन गई है। इसी के साथ मैंने और एक राखी बनाई थी जिस पे मैंने सेम वैसे ही कार्डबोर्ड से कटआउट करके 3D लुक दिया है बाय प्लेसिंग सम रियल कॉटन। तो देखिए काफ़ी क्यूट लग रहा है, ये भी पसंद आया है। वेरी क्विक एंड ईजी DIYs फॉर योर छोटू भैयास। तो मुझे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट DIY नंबर 2 है सुपर हीरो ब्रूच। यस, तो जैसे आपका जो भैया है ना, छोटा हो या बड़ा हो, तो वो भी तो फैन होगा सुपर हीरोज़ का। तो जब हम राखी उसे बांधेंगे तो उसके साथ में हम उसे एक छोटा सा ब्रूच भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एयर ड्राइक ले लिया है और उसे मैं इस तरह फिंगर से थोड़ा सा ऐसा शेप दे रही हूँ जैसे कि फेस मास्क होता है ना वैसा। और देखिए इस तरह। तो हम यहाँ बनाने वाले हैं स्पाइडर मैन एंड साथ ही में बैटमैन। तो ये थोड़ा सा शेप दे दिया, थोड़ा टैल्कम पाउडर लगा के आप उसे स्मूथ कर सकते हो। एंड फिर मैंने इसे रख दिया है ये छोटी सी 3D आउटलाइनर बॉटल पे, तो वो थोड़ा सा कर्व्ड शेप ले लेगा। उसके साथ में फिर मैंने यहाँ पे दो छोटे क्ले बॉल्स लिए जिन्हें मैंने इस तरह आइज़ का शेप दिया है। एंड दीज आर गोइंग टू बी द स्पाइडर मैन आइज़, इनफैक्ट द स्पाइडर मैन गॉगल। तो यहाँ फेविकॉल की हेल्प से हम इसे यहाँ चिपका देंगे और इसे अच्छे से सूखने देंगे। तो जैसे ही ये सूख जाएगा इसे हम अच्छे से पेंट करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ लिया है सिंपल रेड एक्रेलिक कलर, एंड हम ये स्पाइडर मैन का जो फेस मास्क है उसे पेंट कर देंगे। तो ये जब सूख जाएगा उसके बाद मैंने उसके ऊपर ब्लैक पेन से यहाँ पे वेब ड्रॉ किया। उसी के साथ मैंने यहाँ पे ये बैटमैन का भी एक ब्रूच बनाया था। तो यहाँ मैंने दो ट्रायंगल से उसके जो कान है वो बना दिए, फिर थोड़ा सा डिटेलिंग कर दिया उसका मास्क बनाने के लिए, एंड ऐसा थोड़ा पिंच करके उसकी नाक भी बना दी। तो मेरे दिमाग में तो बैटमैन का यही चेहरा था, एंड देन मृदुला सेड के मम्मा तुमने थोड़ा गलत किया है क्योंकि बैटमैन का जो मास्क है उसकी नाक को भी कवर करता है। तो देन आई सेड ओ ओ, देन आई रेक्टिफाई इट व्हाइल आई वाज पेंटिंग इट। तो मैं जब ये ब्लैक कलर दे रही थी तो मैंने ब्लैक कलर थोड़ा और नीचे लिया और उसका जो नाक था वो भी कवर किया। एंड उसका स्किन के कलर करने के लिए मैंने यहाँ पे पीच कलर यूज़ किया। तो आप भी इसे अच्छे से पेंट कर दीजिए एंड लेट इट ड्राई। एंड उसे यहाँ पे मैंने आईज़ बना दिए हैं, देन यू कैन लाइक गिव अ नाइस कोट ऑफ वॉर्निश। एंड वॉर्निश ड्राई होने के बाद ये छोटू सा मास्क बन गया है ब्रूच, बिकॉज मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन अटैच किया है विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन। तो फिलहाल के लिए ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है, एंड इट्स नाउ प्लेस्ड ऑन मृदुला स्टॉप। तो आप ऐसे इसे बनाइए, आपके भाई साहब बहुत खुश हो जाएंगे। एंड येस ब्रदर्स, यू कैन ऑल्सो मेक इट फॉर योर क्यूट लिटिल सिस्टर्स। तो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। लेट्स गो टू आवर थर्ड DIY फॉर टुडे, एंड वी आर गोइंग टू मेक अ स्मॉल क्यूट लिटिल पिगी बैंक कम्प्लीटली आउट ऑफ दिस वेस्ट फूड कंटेनर। तो ये फूड कंटेनर यहाँ पे मैंने इसके बॉटम पे एक स्लिट बना दिया है, एंड इसका जो ये लिड है तो आप इसे फिक्स कर सकते हो कोई भी सुपर ग्लू के साथ ताकि आप ओपन ना कर पाओ, या फिर जैसे मैंने आगे बताया है आप वैसे भी कर सकते हो। तो चलिए इस वेस्ट ट्रैश को हम कन्वर्ट करते हैं पिगी बैंक में। तो यहाँ पे मैंने लिया है अगेन वाइट जेसो, एंड इसका जो ब्लैक कवर है उसे हम अच्छे से एक वाइट कैनवास बना देंगे। तो वाइट जेसो लगाने के बाद उसे सूखने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है ये लाइट ब्लू कलर, एंड देन आई हैव पेंटेड इट ऑल ओवर दिस कंटेनर। तो जैसे ही हमारा ये ब्लू बेस ड्राई हो जाएगा तो उसके ऊपर हम बहुत ही क्यूट सी एक लड़की ड्रॉ करेंगे हु इज़ होल्डिंग एन अम्ब्रेला। एंड अगेन आई एम गोइंग टू यूज़ सेम फेविक्रिल एक्रिलिक कलर्स विथ नियॉन शेड्स ऑल्सो, और उनके साथ मैं इसे पेंट करना शुरू कर देती हूँ।
तो आप देखोगे ये काफ़ी अच्छे से पेंटिंग हो रहा है। एंड ये बनाने के लिए मुझे इंस्पायर किया क्योंकि राखी के टाइम पे हमें बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं और काफ़ी टाइम हमें कैश भी मिलता है, तो जो हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ होती है तो व्हाट आर दे गोइंग टू डू विद द कैश। सो आई थॉट के जो उनकी पिगी बैंक है क्यों ना वो खुद बनाए। तो यू कैन आस्क योर चिल्ड्रन, आपके आपका लड़का है या आपकी लड़की है, आप उन्हें बोलिए तो दे कैन मेक इट पोट टुगेदर एंड एक बहुत ही क्यूट सी पिगी बैंक बन जाती है दैट इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ ट्रैश। इस पिगी बैंक का जो बॉटम था उसे मैंने सील किया है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ पे जो हमारा सिंपल नाड़ा है उसे पेस्ट कर दिया एंड देन आई हैव पेंटेड इट पिंक। तो हमारी लड़की जो हमें मैसेज दे रही है, शी सेइंग दैट सेव एवरी पेनी बिकॉज एवरी पेनी सेव्ड इज़ एवरी पेनी अर्नड। एंड उसके साथ आप आपका विश लिस्ट भी कंप्लीट कर सकते हो। येस, सो इट्स अ नाइस आइडिया, राइट? आई होप आपको ये पिगी बैंक अच्छी लगी हो, आपके बच्चों को आप इंस्पायर कीजिए ऐसा बनाने के लिए। एंड यस, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, इट मैटर्स अ लॉट। चलिए चलते हैं आज के लास्ट DIY एंड दैट इज मेकिंग अ नाइस बुकमार्क। नाउ दिस बुकमार्क इज रियली गोइंग टू बी स्पेशल बिकॉज इट वुड बी अ 3D बुकमार्क। यस, यू हर्ड इट राइट। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक वेस्ट कार्डबोर्ड और इसे मैंने प्राइम कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया है क्यूट सा बच्चा और जिसे मैं फेविक्रिल एक्रिलिक कलर से पेंट कर रही हूँ। तो पेंटिंग के साथ मैंने इस बच्चे को बहुत क्यूट से विंग्स भी दे दिए हैं। जी हाँ, तो इस लड़के पे विंग्स क्यों है मैं आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये ब्रूम स्टिक यानी सिंपल झाड़ू का एक छोटा सा डंडी और उसे मैंने इस तरह कट कर दिया है। ओके, तो आप ध्यान से कटर के साथ उसे थोड़ा सा ऐसा स्लिट कीजिए और उसे इस तरह से थोड़ा स्प्रेड आउट करके उसमें एक ओपनिंग बनाइए। तो देखिए इस तरह हमारा स्लिट रेडी है। तो ये मैंने दोनों में बना दिया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है एयर ड्राई क्ले और इस क्ले से हम बनाने वाले हैं शूज़। तो यू गेस्ट इट राइट, जो स्टिक्स थे वो रहेंगे इस बच्चे के पैर और उसने जो शूज़ पहने हैं वो हम बना रहे हैं इस एयर ड्राई क्ले से। तो आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए इसे शेप देने के लिए और ये काफ़ी क्यूट से शूज़ तैयार हो जाएंगे आपके। तो जैसे आपका डिज़ायर्ड शेप मिल जाएगा तो आप जो आपकी स्टिक है इसे इसमें इंसर्ट कर दीजिए। तो आपने जैसे इसे फेविकॉल के साथ भी आप चिपका सकते हो। तो ये हम बनाए हैं बहुत ही प्यारे से इसके 3D लुकिंग लेग्स। तो मैंने ऐसे दो बना दिए हैं, तो दोनों पैर तैयार है। अब जो शू वाला क्ले है वो अच्छे से सूखने के बाद मैंने इसे सिंपल ब्लैक शू बना दिया है बाय गिविंग इट द एक्रेलिक पेंट और ये दोनों पे हम करेंगे और फिर से उसे सूखने देंगे। और जब तक ये सूख रहा था तब तक मैंने हमारे बुक मार्क पे एक अच्छा सा बैकग्राउंड दे दिया एंड देन आई एम राइटिंग दिस कोट। इट सेज रीडिंग गिव्स यू विंग्स। यस, एंड नॉट जस्ट एनी विंग्स, तो रीडिंग गिव्स यू मोस्ट पावरफुल विंग्स। तो रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, आप आपके बच्चों को कंपल्सरी दिन में 2 पेजेस रीड तो करवाइए ही। लेट देम रीड द न्यूज़पेपर्स, लेट देम रीड द डिक्शनरी, लेट देम इंक्रीज देयर वोकैबुलरी। तो ओके, थोड़ा ज्ञान हो गया हमेशा की जैसे। और यहाँ पे मैंने जो हमारे लेग सूख गए थे उस पे मैंने यहाँ पे सॉक्स बना दिए और क्यूट सी लेस बना दी एंड दिस टिक टॉक लेग्स आर हियर। तो हम इसे यहाँ पे स्लिट पे इंसर्ट करेंगे हमारे कार्डबोर्ड में। तो देखिए वाओ, बन गया है हमारा ये ब्यूटिफुल सा बॉय एंड ही इज़ हैविंग दीज 3D लेग्स विथ वेरी पावरफुल विंग्स बिकॉज ही इज़ एन अवीड रीडर। एंड फाइनली इस तरह वुलन थ्रेड लेके मैं इसे यहाँ पे लूप बना के टाई कर रही हूँ। तो नाइस बुकमार्क इज़ रेडी। आप इसे फेविकॉल लगा के, दैट इज़ द डिकोपाज ग्लू लगा के आप इसके कलर्स को सील कर सकते हो। एंड येस, आई थिंक यू हैव लाइक दिस बुकमार्क। डू ट्राई इट गाइज, मेक ब्यूटिफुल बुकमार्क्स फॉर योर किड्स। बुकमार्क देख के वो और रीडिंग करना शुरू करेंगे। एंड येस, हियर आई हैव गॉट दिस बुक द अल्केमिस्ट। आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसे पढ़ा होगा। तो एक अच्छा सा थॉट है इसके, इसमें शाहरुख खान का डायलॉग भी था कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है उसे आपसे मिलवाने के लिए। तो विद दैट नोट यहाँ पे मैंने और एक बुकमार्क बनाया था विच सेज व्हाट न्यू हैव यू रेड टुडे। तो इस तरह से कुछ मोटिवेशनल बुकमार्क्स आप बना के रखिए, दैट विल हेल्प यू, मोटिवेट यू टू रीड मोर एंड मोर। एंड जी हाँ, कल इंडिपेंडेंस डे है तो मैं फ़िलहाल थोड़ी थोड़ी सी ये बुक रीड कर रही हूँ, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो आप भी आपके बच्चों के साथ ये शेयर कीजिए। एंड येस, अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। येस, वी आर पेट्रियोटिक पीपल एंड वी लव इंडिया द मोस्ट, राइट? तो मुझे ज़रूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में आपको ये आज का DIY कैसे लगा, आपको ये सारे DIY
डिवाइस पसंद आए हो तो प्लीज़ इसके लिए एक थम्स अप बटन क्लिक कीजिए एंड येस डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज इट्स कम्प्लीटली फ्री और जो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ एंड पोस्ट का अपडेट मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आई होप ये सारे जो राखी DIYs मैंने बताए हैं वो इजी थे आपके लिए और आप इसे ज़रूर बनाइए। और साथ ही मैं आपको मृदुला का और मेरा थोड़ा पर्सनल टच देखना हो तो मेरा मराठी व्लॉग चैनल है मराठी त्रिकोट व्लॉग्स उसे देखते रहिए। सी यू ऑल टिल देन नेक्स्ट टाइम टेक केयर बाय।